मैंने तुम्हें देख लिया अच्छे से, और व्लॉग के अंदर जो क्लिप्स है ना लड़कियों के साथ वो भी मैंने देख ली है, वो पब्लिक को दिखाऊंगी कि तुम कर क्या रहे थे। डोंट वरी डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मी आदिल अनवर। तो भाई जान आज मुझे दुबई में 2 दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा लैन को मुंह लगा ही लेते हैं। इसलिए मुंह लगा लें भाई जान कि उसके घर के पास है एक बड़ा लेवल का बीच, ठीक है। अभी मैं उसके पास आ गया, उसको मैंने कहा कि यार मुझे ज़रा बीच ही घुमा दो, बीच में वो मुझे लेके जाएगी, बस फिर बीच तक वो मुझे ले जाए, बीच के बाद उसको हमने मुँह ही नहीं लगाना, हमने बीच पे हो जाना है गायब। तो अभी उसके पास आ गए हूँ, तकरीबन उसको कॉल की है, वो ऑफिस से बस घर आ गई है, फिर हम चलेंगे उसके साथ बीच में। तो बीच पे आपको मैं दिखाऊंगा मजे मजे के सीन। हाँ जी, कहाँ स्कूटी पे घूम रही हो? पंचर हो गई होगी, पीछे हो ना थोड़ा कैमरे से, मुंह पीछे रखो। ये स्कूटी पे कहाँ घूम रही थी? स्कूटी पे जाती हो? कितनी दफा पंचर होती है स्कूटी? वजन देखे अपना, अल्लाह माफ करे। तुम पीछे हो जाओ, वो पीछे गोरी थी, जरा उसको दिखाने देती, तुम अंदर आ जाओ। गोरी से ज्यादा में। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आज मुझे तुमने बीच पे लेके जाना है। क्यों? तुम्हें कहा है जो तुम्हारे घर के पीछे सबसे बड़ा बीच है, जो मेरा पाम। हाँ वही पाम। हाँ सीन ये है, तुमने मुझे बीच तक लेके जाना है, उसके बाद तुमने वापस आ जाना है, तो मैं बीच पे रहूंगा ना। तुम अकेले जो टैक्सी लेके। मैं अपना शॉर्ट्स और बनियान ले आया हूँ बीच पे लेटने के लिए, ठीक है। बीच पे मैंने जरा वो एक दो गोरी का अरेंज किया हुआ है, तो मैं इतना जो तैयार होकर आई हूँ वो क्या तुम्हें छोड़ने के लिए आई? तो बीच तक छोड़ रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं चल रहा। चलो मैं भी तो गोरा देख ही लूंगी। चलो तुम गोरा देख लेना, बात सुनो। हाँ। वो मैंने दो गोरियों का अरेंज किया हुआ है जरा बीच पे, तो मुझे जरा उधार देती हो? अरेंज किया हुआ मतलब कि गोरियों के साथ चिल विल मारना है ना, चिल विल जरा मुझे ना 500 दिरहम दे दो, वो उनको जरा खाना पीना है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हें बुलाया, तुमसे पैसे भी चाहिए ना, दो पैसे पाकिस्तान से तुम्हें भेज दूंगा 6 महीने के बाद, टेंशन फ्री रहो, पैसे नहीं होते मेरे पास, पैसे दे दो मुझे, थोड़े उधार ही मांग रहा हूँ, कौन से तुमसे, ये कार्ड में है ना पैसे? हाँ। बस ठीक है, चलो ओके आओ। ये जो मैडम है ना, ये अपनी स्कूटी रखाई है उधर, ठीक है। अब मुझे कह रही है ये बस ना पैदल वाला सफर ही है, तो बस आने वाले हैं। कितना रह गया है? 4 किलोमीटर। मैं तो कह रहा हूँ रस्ते में किसी के साथ चिल विल कर लूँ, गोरी के साथ, इसके इसको लेके नहीं घूम रहा हूँ मैं, पागल हो गया हुआ हूँ। तुम किधर आ रही हो वैसे? मेरे से अच्छी गोरी कोई नहीं मिलेगी तुम्हें, अल्लाह माफ करे। तुमने वापस आना, ये बात तुमने मुझे कहा है, ठीक है, मुझे बस छोड़ देना उधर। और पैसे इससे हमने पकड़ लिए हैं भाई, पैसों से हम करेंगे गोरियों के साथ याशी। क्या वापस करने? क्यों? तुमने कहा है मैं तो पाकिस्तान जाके करूंगा ना, अभी तो याशी करने दो ना, अभी पैसों की टेंशन नहीं लेनी, इधर चिलचुल करते हैं। मैंने सुना था जो दुबई आता है ना वो कंगला होके जाता है, तो वाकई सही बात है भाई। कंगला मुझे करके जाएगा क्योंकि तेरे पास कुछ भी। मैं आया ही कंगला, मैंने सुना था लोग ना इधर से कंगले होके जाते हैं, मैं आया ही कंगला हूँ ना। 200 दिरहम लेकर आया और चीजें उस दिन 400 दिरहम की देख, बस यही सीन है ना, मैं कंगला ही होके आया हूँ ताकि कंगला होके जाऊँ ही ना, आया ही कंगला था, शायद अमीर होके चला जाऊँ इधर से, लॉटरी शॉटरी निकल आएगी, लॉटरी शायद घोड़ी की निकल आए, वो भी बेहतर है पैसों से। तो गाइस अब हम ट्राम के लिए वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रही है उनके साथ जा रहा है, ठीक है। और मैंने जैसे इसकी रील करवा दी, मैंने कहा ठीक है अब जा सकते हैं, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है। बस नाम लिया तुमने तो जलील करके रख दिया, तो बस अब ट्राम ये देखो इसको अपनी जाने की पड़ी हुई है, अब मैं ट्राम के लिए वेट कर रही हूँ, ठीक है। बस ट्राम आने वाली है, ट्राम है गया, मैंने कहा बीच का नाम है, अब पता चला ये भी ट्रेन होती है। ट्राम होती है सड़क पे चलने वाली, मेट्रो ट्रेन जो है वो ऊपर हवाओं में चलती है। तो बाय द वे मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है? लोगों को मेरा आउटफिट तो दिखाओ। लोगों ने तुम्हें नहीं देखना दुबई में, लोग मुझे मैसेज, आप कमेंट में बताओ आप लोग मुझे देखना चाहते हैं या नहीं। या गोड़ियां, ऑब्वियसली मैं गोड़ियां देखनी, मैं उनके लिए आया हूं, मेरी आवाम सिर्फ मुझे देखना पसंद करती है ना, तो कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो वहां जाके बीच के लिए रेडी हो जाओ बस, समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना। इस बंदे को एवं पहले कह दिया बीच पे ले जाओ, पता नहीं किधर घुमा फिरा रही है, किधर ले आई हो पता नहीं, किधर ले आई है यार, ये खतरनाक सा कोई रोड है। तो अभी हम जा रहे हैं बीच पे, बीच तो मिल नहीं रहा, किधर है पता नहीं, जाके देखते हैं, मुझे बहुत समझ नहीं, घुमा फिरा के ना ले जाना मुझे, पता नहीं, मैं तो बस इशारों को देख रही हूं, इशारे लगे हुए हैं उसको फॉलो करते जा रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा बीच बूच, मुझे लगता है इसको उतार के ना मुझे टैक्सी करवा के खुद ही जाना, पर ना ये ना मुझे जलील करवा रही है बीच के चक्करों में, मानना मेरा दिल ठरकी सा है, लेकिन अब क्या करूँ, बीच तो जाना है ना, सब कुछ ठरकी
तो ठरकी हूँ बचपन से हूँ, अब क्या करूँ, बचपन से आदत है ठरकी, क्या करूँ भाई जान। इस पाम के लिए मैं 4-5 घंटे से जलील हो रहा हूँ। इधर हमने आना है, हमने उधर जाना है, अच्छा अच्छा ये पानी है, लड़कियाँ नहीं इधर नजर आ रही कोई है, लड़कियाँ तो मैं अंदर भी नहीं नजर आ रही। और ये हम जा रहे हैं यहाँ पे, गेस करो कहाँ है, और जिसको पता है वो हमें कमेंट में बताए। बाय द वे ये मैं हूँ गोरी के साथ बैठा अभी तक। जल्दी है, जल्दी करो इसको जल्दी खड़ी है, मैं लेके जाती हूँ। हम जा रहे हैं, देखते हैं ये ट्रेन पूरी, देखे आप बैठे हुए लोग, ड्राइव फास्ट प्लीज। अब हम जा रहे हैं, ठीक है, बाहर से आप व्यू देख सकते हैं, अभी चलेगी फिर मैं व्लॉग शुरू दिखाऊंगा, फिर व्लॉग हम शुरू करते हैं। ओके ओ भाई लोगों चेक करो, ओए 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 चेक करो, गोरियां गोरियां चेक करो गोरियां। आप लोगों को कहा था ना मैं गोरियां दिखाऊंगा, अभी सबर करो सबर, आप लोगों से वादा किया हुआ गोरियां दिखा दिखा के आपका दिल भर जाना है गोरियां देख के। सबर सबर। तो यार हम ये जा रहे हैं पाम जुमेरा, और ये एक अदद आदमी बैठा हुआ है गाड़ी में, लड़कियां तारी ओए ओए इस गोरियों से फुर्सती मिल रही है, और मैं बाइक का व्यू चेक कर रही हूं। अगर वो फ्रंट पे चले खड़ा होने की जगह ही है, वही तो एंजॉय वाला है, फ्रंट आओ खड़े होना है। चल आ जा इधर से बन सकता है फ्रंट, हाँ इधर से यही आ रहा है नजर। ये देखो मैं इस बंदे को ले आई हूँ, ठीक है, ये तो पागल हो गया है इधर ना लड़कियां देख देख के, कोरियां यार व्यू चेक करो, ओह माय गॉड, मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने, सीरियसली यार ये देखो मैंने टिकट लिया ना, उन्होंने मुझे कहा था घोड़ी भी देंगे स्विमिंग तुझे देते हैं, ये ना पागल हो गया है यार, चेक करो। अभी हम नीचे जाते हैं और वो देखो इर्द गिर्द पानी पानी है, तुम समझ नहीं रही लोगों ने क्या कहा हुआ है मुझे, मुझे भी तो दिखाओ ना, मुझे भी तो दिखाओ। तो ये लो भाई लोग आ गया आपका भाई बीच पे, पता नहीं कौन सा बीच है लेकिन बीच बहुत मजे का है। मैडम पाम जो मेरा यू कैन गो, ओह माय गॉड तुम अब जा सकती हो, अब नेक्स्ट ट्रेन घंटे बाद आएगी, मैं घंटे बाद जाऊंगी, तब तक मैं तो यहां। तो फिर तुम एक काम करो, तुम इधर ही रुको मैं आया। तो भाई जान अभी मैं जा रहा हूँ बीच पे, क्या है हेलो बीच पे, आप लोगों को मैंने कहा था ना अकेला जाऊंगा, क्योंकि ये साथ होगी ना तंग करती रहेगी फिर ना, ना आप लोगों को मजा आएगा ना मुझे, क्या लेते हैं तुम अपनी पिक्चर वगैरह लो, तुम्हारी मैं एक पिक्चर ले देता हूँ, फिर तुम ना खाली बल्ली हो इधर से, चलो शाबे खाली बल्ली खाली बल्ली। तो अभी मैं नीचे जाऊंगा यार चेक करो, ओहो वहाँ तक पैसे नहीं थे, पैसे होते तो आगे जाता ना, अब आज दिहाड़ी लगाऊंगा दुबई में, दिहाड़ी लगा के फिर आगे तक जाऊंगा कल। यार ये चेक करो पानी, हम नीचे बैठे ना बीच पे आओ ना, चले ज्यादा बातें ना, चलो तुम तो निकलो ना, बंद करो ना इधर। आ गया बीच पे, लेट गया हूँ आगे बीच पे, अभी तक कोई गोरी नहीं मिल रही, सारी ना लड़कों के साथ है, कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा, लेकिन हिसाब किताब लगा के ही जाऊंगा। ललैन को भेज दिया मैंने, कहा घूम फिर गया हो फिर मैं आता हूँ, उसको मैंने भेज दिया, वो गई है रेस्टोरेंट में खाना लेने, तो मैं इधर आगे लेट गया हूँ बीच पे, चेक करो बीच पे क्या व्यू आ रहा है यार। अभी कल्ला ही लेटा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कल्ला लेटा हुआ हूँ, बुरा लग रहा है मुझे कल्ले कल्ले क्या कहते हो फिर